अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, खैरियत से हैं। आज रमज़ान मुबारक का 20वां रोज़ा है और 20वें रोज़े में रमज़ान की तैयारियां कुछ इस तरह से है कि इसमें बड़ी डिफरेंट किस्म की स्पेशल डिशेस बन रही हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पफ पेटीज। ये देख सकते हैं कि ओवन में क्या पफ पेस्ट्रीज, ये देखें बेक हो रही है अफ्तारी के लिए। और ये इसके अंदर जो मसाला लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है अब्दुल हादी? मसाला नहीं, चिकन है। चिकन और चिकन एंड वेजिटेबल्स के पॉप एंड कैप्सिकम। ओके, कैप्सिकम पता नहीं क्या है, जो भी है। अच्छा, ब्रशिंग किया ताकि वो राइस हो, गोल्डन हो। राइस नहीं हो, राइस फूड ऑटोमेटिक होता है बेकिंग पाउडर। और यहाँ पर है ये, भाई क्या बन रहा है, ये है चिकन विंग्स। चिकन विंग्स बेहतरीन से चिकन विंग्स बन रहे हैं। ये क्या है, सॉस कौन सा लगा रहे हैं? हॉट एंड सॉस में बन, सॉस में उन्होंने खुद ही बनाया, सॉस में हॉट सॉस, केचप, सोया सॉस और क्या पेपर, हॉट सॉस, केचप, ब्राउन शुगर, सॉल्ट, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली फ्लेक्स। तो ये सॉस खुद होम मेड सॉस बनाया है। पहले चिकन विंग्स को हमने फ्राई कर लिया मसाले के अंदर, उसके बाद सॉस वगैरह बनाने के बाद इसको जो बाजार में चिकन विंग्स मिलते हैं ना, तो उस तरह हम बेक किया हुआ है। तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत क्रिस्पी तो नहीं, बहुत ही लजीज लग रहा है, बहुत ही वेरी हॉट एंड स्पाइसी। ये आप दूसरी तरफ हमारे पकौड़ों की, जो नॉर्मल पकौड़े जो फ़र्ज हो चुके हैं हमारे पाकिस्तानी भाइयों पे रमज़ान में, बगैर पकौड़े के अफ्तारी नहीं होती, तो ये पकौड़े और बन गए। और यहाँ पर बन रहा है फ्रूट चाट, और ये बन रहा है फ्रूट चाट, ग्रेप्स जार में। ये चाट मैं खाऊंगी। फ्रूट चाट में क्या डाला जा रहा है, ये देखें, ये ग्रेप्स, ग्रेप्स डाले जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बनाना वगैरह, बनाना तो ऑफ कोर्स खाना जाता है, हाँ बना हुआ एप्पल, ये सब चीजें। और ये बैटर है पकौड़े का, बैटर है। और यहाँ पर चिल्ली जी आ गए हैं, तो ये पकौड़े पकौड़े चिल्ली वाले पकौड़े भी बनेंगे, और ये नॉर्मल पकौड़े भी हैं। और ये कढ़ाई हमारे पास रेडी हो गई। कढ़ाई कौन सी कढ़ाई? कढ़ाई मतलब ऑयल वाली कढ़ाई, हम फ्राई करेंगे ना पकौड़े इसमें। और ये है हम, ये है कौन, हम, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, और एक और आइटम हमने बनाई है ओकरा इसको डिनर में, और बड़ी जबरदस्त सी ओकरा है। सब्जी उमन खाई नहीं जाती रमजान में, लेकिन हम बनाते हैं ताकि हमारा बैलेंस और डाइट रहे। हर सब गोश और चिकन सब पकौड़े, इसके बाद ये सब्जी रोटी भी खानी चाहिए, सब्जी रोटी हो गई, फिश हो गई। और कल हमने ये बनाए थे कबाब, बोटी और आलू के कबाब, बड़े अच्छे से स्पेशल कबाब बनाए थे। ये आ गए हैं पफ पेट्रीज, रेडी हो चुके हैं ज़बरदस्त। और ये है चिकन विंग्स, और इस पर सेसम भी हम डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। जैनब विंग्स खाते हुए, जैन का मुंह पूरा बिल्कुल सॉस वाला हो गया है जैनब, बहुत स्पाइसी है। ओहो, टिश्यू साफ हो रहा है। तीन खा गए विंग्स, वाह भाई, तीन विंग्स खा गए हैं भाई।